वेरी गुड आफ्टरनून। और की हाल चाल? बढ़िया। काफ़ी टाइम बाद मेरी वॉइस सुनी होगी आप लोगों ने, और ये ऊबर वाले का कॉल आ रहा है। एक मिनट, मैं आपसे फिर दोबारा जुड़ती हूँ। एक्चुअली काफ़ी बातें हैं, बहुत टाइम हो गया आप लोगों से बात नहीं हुई, कोई ब्लॉग नहीं आया काफ़ी टाइम से, उसके भी बहुत सारे रीज़न थे। लेकिन अभी बहुत अर्जेंट बेसिस पे मैं जा रही हूँ मानू को ड्रॉप करने, उसके फ्रेंड का बर्थडे है और लेट हो रहा है, कैब नीचे ऑलरेडी आ चुकी है, तो आपसे मिलती मैं बात में। मैंने मानू को ड्रॉप कर दिया है और वापस कैब में जा रही हूँ। फिर आपको सुनाती पूरी कहानी, इतने टाइम मैं क्यों लापता हो गई थी। आओ बनी फोन में हैंड। तो मैं कहाँ पे थी, हुआ ये बच्चों के एग्जामिनेशन से, और मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते, पूरी तरह से स्टक थी क्योंकि उस टाइम पे मेरे प्रायोरिटी पे बच्चों के एग्जाम्स थे। और हुआ कि कुछ ब्लॉग्स मैंने बनाए भी थे बट मेरे को एडिट करने तक का टाइम नहीं मिला, तो वो बहुत पुराने हो गए तो उन्हें डालने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो एग्ज़ाम ख़त्म ही होने वाले थे कि मैं मेरे को बीपी का इशू आने लगा और थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज मेरे को आ गए, लाइक बीपी हाई हो गया था मेरा। जनरली मेरे को बीपी का इतना इशू रहता नहीं है, इतना इशू क्या, बीपी का इशू नहीं है, फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ है ये, तो उसकी वजह से काफ़ी लथार्जी, काफ़ी फटिग, और मतलब इन शॉर्ट आई वॉज नॉट वेल। तो उसमें दो तीन दिन लग गए, तो आज भी ऐसा नहीं कि अभी मैं पूरी तरह से सही हो गई हूँ, अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता है, इश्यूज़ हैं अभी। बट इतने टाइम तक ना मैं बेड पर नहीं बैठ सकती, ना मैं लेट सकती हूँ, मुझसे इतना टाइम तक कोई बोले ना कि बेड पर बैठे रहो कुछ नहीं करना, मुझसे नहीं होता, मुझे एक्टिव रहना पसंद है। तो फिर आज मैंने सोचा क्यों ना फिर से स्टार्ट किया जाए व्लॉग, और इतना टाइम हो गया आप लोगों से नहीं मिली, मिस किया बहुत ज़्यादा आप लोगों को, आई होप आप लोगों ने मिस किया हो मुझे। तो अभी फ़िलहाल मैं मानू को छोड़ के आ चुकी हूँ और अभी घर जा रही हूँ। और एक और चीज़ और स्टार्ट हुई है, हम लोगों का गरबा ग्रुप बना है। एवरी ईयर हम लोगों के नवरात्रि में प्रोग्राम होते हैं और जिसमें जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप बनते हैं लेडीज़ के, अलग अलग डांस फॉर्म्स लोग परफॉर्म करते हैं। तो मेरा जो डांडिया ग्रुप है, टू टाइम से हम लोग जो है डांडिया कर रहे थे, बट अब की बार हम लोगों ने डांडिया नहीं, हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग गरबा करेंगे। लास्ट हम लोगों ने करा था 2019 में, देन उसके बाद कोविड लग गया था तो कोई प्रोग्राम हो ही नहीं थे। तो अब काफ़ी टाइम बाद आफ्टर टू ईयर्स की गैप में हम लोग फिर दोबारा काफ़ी एक्साइटेड हैं। हालांकि डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है कि डेट क्या है, बट हम लोगों को परमिशन मिल गई है प्रैक्टिस करने की। तो अगर परमिशन मिल गई है तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रोग्राम भी होगा, और जहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, हो सकता है कि वीकेंड पे ही हो प्रोग्राम। तो फ़िलहाल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसी डेट फिक्स होगी वो मैं आपको बताऊंगी। और आज आपको डांडिया ग्रुप से भी मिलवाती हूँ अपने, गरबा ग्रुप से भी मिलवाती हूँ अपने। अंदर करो पिस्टल। नो बनी बेटा, हाथ कट जाएगा, अंदर करो हाथ, वरना विंडो बंद करा दूंगी मैं। अभी एक इशू हो गया है, नवरात्रि का जो फंक्शन हमारा होना था, सबने एक्सपेक्ट करा हुआ था सोसाइटी में जो भी डांसिंग ग्रुप थे कि अब की बार जो वेलफेयर एसोसिएशन है सोसाइटी की वो ऑर्गेनाइज करेगी, बट ड्यू टू सम कंडीशंस, कुछ इश्यूज के चलते अभी अब की बार जो है वेलफेयर एसोसिएशन ने मना कर दिया है कि वो अब की बार ऑर्गेनाइज नहीं करा पाएगी। इनफैक्ट जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन लोगों को ही इवेंट ऑर्गेनाइज करना होगा, जैसा कि पहले भी होता था। बट ये तक कुछ टाइम से, जब से वेलफेयर एसोसिएशन बनी थी सोसाइटी की, तो वही ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हम सबको था कि नवरात्रि फंक्शन भी वही ऑर्गेनाइज़ करेगी, बट अब की बार नहीं हुआ है। और अभी ओनली वन, जस्ट वन वीक बचा है नवरात्रि फंक्शन के लिए, वन वीक बचे नवरात्रि फंक्शन के लिए। इनफैक्ट आज हम लोगों को अपनी ड्रेस फाइनल करके, मैं सच बताऊँ सोसाइटी में हमारे ग्रुप के अलावा मिनिमम से मिनिमम 8 ग्रुप्स, 8 to 9 ग्रुप्स तो ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे,
जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने आपको जैसे बताया था कि पहले भी हम लोगों का नवरात्रि में फंक्शन होता था और अच्छे स्केल पे फंक्शन होता है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और आफ्टर टू ईयर्स एवरीवन वाज एक्साइटेड कि ठीक है अब की बार फंक्शन होगा और सब पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो अभी जब ये क्लियर हुई है हुआ है ये पॉइंट और वन वीक है, तो अभी जो भी और जो ग्रुप बने थे उनके जो कोरियोग्राफर्स हैं उनकी एक मीटिंग रखी जाएगी। देन अब अपने हैंड पे देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कि बहुत शॉर्ट पीरियड है और बहुत सारे ग्रुप हैं जो ड्रेसेस भी अपनी बुक कर चुके हैं। बाकी अभी हम लोगों की भी मीटिंग है 4 o'clock मेरे ग्रुप की, प्रैक्टिस के लिए जाना था तो प्रैक्टिस का पता नहीं आज क्या, बट पहले ये क्लियर हो तो मिलते हैं, देखते हैं क्या बात बनती है। तो अभी मैं घर से निकल रही हूँ और अपने ग्रुप से मीटिंग कर लेती हूँ, आज क्या कहते हैं देन मे बी टुमारो हम लोगों की मीटिंग हो मेंटेनेंस के साथ, तो वहाँ पर जाकर मीटिंग करेंगे। बट अभी फर्स्ट वी नीड टू मीटिंग विद अवर ग्रुप, विद अवर इंडिविजुअल ग्रुप, जो भी कोरियोग्राफर हैं बैठ रहे थे अपने मीट अपने एक बार जितने भी ग्रुप मेम्बर्स हैं उनसे डिस्कस कर लें। तो फिलहाल मैंने कर चुके हैं, तो दिस इज माई गरबा ग्रुप, हाय यू ऑल आर इन नो। आज इतने टाइम पर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था और सोचा था कि प्रैक्टिस करके भी दिखाऊंगी थोड़ा बहुत आपको, मूवमेंट्स दिखाऊंगी अपने, बट किसे पता था कि यहाँ पे भी ये डिस्कस होगा क्या क्या करना क्या है इवेंट का। तो अभी हम लोग एक है कोई है मेंबर है उनसे बात करने जा रहे हैं, देखते क्या निकल के आता है। हम लोग मेरा पूरा ग्रुप जो है हम लोग यहाँ की सोसाइटी की जो मेंटेनेंस टीम है मेंटेनेंस जा रहे हैं चीज़ें क्लियर करने कि आखिर इवेंट कैसा ऑर्गेनाइज होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, वो डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों की प्रैक्टिस हो रही है, देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था, बहुत ही टेंस्ड था। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, उसमें हो सकता है कुछ पॉजिटिव नोट पे आप लोगों से बात करूँ, कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड इवन नेक्स्ट व्लॉग।